झारखंड का नंबर वन टैटू आर्टिस्ट सुमित टैटू आर्टिस्ट, नियत बिहारी लाल चौधरी, हरि मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। नए जमाने के लेटेस्ट टैटू बनवाएं और सबों के दिलों में छा जाएं, या पुराने टैटू रिमूव करवाएं और डिफेंस बहाली की अड़चनों को दूर करवाएं। पूजा स्पेशल ऑफर 50% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। तो आज ही कॉल करें 7050005998 पर। दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक बेंगाबाद थाना स्वागत कक्ष में मंगलवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता बेंगाबाद वीडियो निशा कुमारी, इंस्पेक्टर ममता कुमारी और थाना प्रभारी विकास पासवान ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बेंगाबाद प्रशासन पदाधिकारियों ने पूजा समिति सदस्यों को शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की। बेंगाबाद पुलिस इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने कहा कि पूजा पंडाल के इर्द गिर्द पार्किंग की व्यवस्था पूजा समिति करे, पानी के लिए उपयुक्त टैंकर की व्यवस्था हो, महिला और पुरुष अलग अलग रास्ते से माँ दुर्गा के दर्शन करें, हो सके तो पूजा समिति पंडाल में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करे ताकि असामाजिक तत्व के लोगों की शरारती हरकत की पहचान आसानी से हो सके। डीजे का प्रयोग ना करें, रात 10 बजे के बाद गाना व बजाए भक्तिमय गाना मधुर धुन में बजावे, और सभी एडमिन ग्रुप से अनुरोध है की जाती है कि आपत्तिजनक फोटो वायरल ना करें। वहीं पूजा समिति सदस्यों को आगाह किया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिम्मेवार पूजा समिति स्वयं होगी। बेंगाबाद वीडियो निशा कुमारी ने कहा कि जो भी श्रद्धालु माँ दुर्गा के दर्शन करने आएंगे उनको दर्शन कराना पूजा समिति सदस्यों की जिम्मेवारी दी जाएगी। वहीं बेंगाबाद थाना प्रभारी विकास पासवान ने बारी बारी से बेंगाबाद के तमाम पूजा कमेटी सदस्यों से जायजा लिया। प्रतिमा विसर्जन का रूट चार्ज का भी जायजा लिया गया। वहीं पूजा समिति के सदस्यों को भी अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। हालांकि प्रशासन ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई असामाजिक तत्व के लोग हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं तो इसकी सूचना थाना को दे दी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जनप्रतिनिधि, पूजा समिति के सदस्य एवं समाज सेवी के अलावे सैकड़ों लोग मौजूद थे। बैठक थी, क्या निर्देश दिए गए हैं प्रशासन के माध्यम से? समन्वय बना करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर शांति समिति के सदस्य ही जो जहाँ पर भी जितने भी पंडाल के जो वॉलंटियर्स उनके जो मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्रशासन से और थाना से जुड़े रहें, और आखिरी एक लंबी 10 दिन की प्रक्रिया है जिसमें उनको समन्वय बना करके रखना है, तो जिस लोग पंडाल खुल जाता है और पंडाल में जाना शुरू करते हैं और आखिरी विसर्जन के लिए समन्वय बना करके रखें, ताकि जो ये त्यौहार है ये विधि व्यवस्था के साथ हो सके, इसमें सारे सुरक्षा के साथ किसी भी अनहोनी घटना की तरफ हम ना बढ़े और सुंदर त्यौहार सुबह सारे लोगों से खत्म हो जाए।